हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद। आज के समय में महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स को कौन नहीं जानता है। वो एक फेमस साइंटिस्ट और खगोल भौतिकविद थे। उनकी प्रमुख खोज ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी थी। ये जानने के लिए कि ब्लैक होल और इस ब्रह्मांड से पहले हमारा अस्तित्व क्या था, इसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने अपने रिसर्च का ज्यादातर समय ब्लैक होल और स्पेस टाइम के सिद्धांतों पर शोध में बिताया। इस रिलेशन में उन्होंने कई पत्र भी पब्लिश किए, जिससे वैज्ञानिकी दुनिया में उनका बड़ा नाम हुआ। सो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने बिना कुछ बोले पूरी दुनिया को अपनी इन्वेंशंस और थ्योरी से हिला दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो का नाम है नंबर 1, आइंस्टाइन की ग्रेविटी थ्योरी भी सिंगुलैरिटी के बारे में बताती है कि उनका सिद्धांत ये है कि काल और अंतरिक्ष यानी टाइम एंड स्पेस में किसी भी भारी पिंड की वजह से जो झोल पड़ जाता है वही ग्रेविटी है। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग सिंगुलैरिटी वह पॉइंट है जहां से स्पेस टाइम इनफाइनेटली रूप से कर्व्ड हुआ, लेकिन उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि क्या सिंगुलैरिटी रियल भी है या नहीं। फिर स्टीफन हॉकिंग के शोध के दौरान पता चला कि बिग बैंग दरअसल ब्लैक होल का रिवर्स टोल ही है। उन्होंने पेनरोज के साथ मिलकर 1970 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और दर्शाया कि सामान्य सापेक्षता का अर्थ यह है कि ब्रह्मांड ब्लैक होल के केंद्र से ही शुरू हुआ होगा। इस सिद्धांत को पूरे ब्रह्मांड के लिए इस्तेमाल किया गया और बताया कि ग्रेविटी सिंगुलैरिटी पैदा करती है। उन्होंने ये भी बताया कि आइंस्टाइन के सिद्धांत ने सिंगुलैरिटी की जो भविष्यवाणी की थी वह बिग बैंग थ्योरी ही थी। नंबर 2, स्टीफन हॉकिंग के पहले सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल का कुल सतह क्षेत्र कभी भी छोटा नहीं होता है, जिसे साइंस की दुनिया में हॉकिंग एरिया थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल गर्म होते हैं, लेकिन ये क्लासिकल फिजिक्स का एक कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसमें कहा गया है कि ब्लैक होल से गर्मी रेडिएट नहीं होती है। एक और ब्लैक होल का सिद्धांत है जिसे नो हेयर थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बताया गया है कि ब्लैक होल में विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे कि उनका मास, एंगुलर मोमेंटम और चार्ज। ब्लैक होल रेडिएशन का उत्सर्जन करता है, जो कि तब जारी रहता है जब तक कि वह अपनी सारी एनर्जी को खत्म नहीं कर देता। नंबर 3, इस सिद्धांत को साल 1980 में एलन गुड द्वारा दिया गया था, और वह था कि फिजिक्स कॉस्मोलॉजी में कॉस्मिक इन्फ्लेमेशन वह सिद्धांत होता है जिसमें ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद फैल जाता है। इसके अलावा हॉकिंग पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम में उतार चढ़ाव की गणना की और बताया कि पदार्थ की डिलीवरी में कम बदलाव होता है, बल्कि इन्फ्लेशन के दौरान ये ब्रह्मांड में गैलेक्सीज को जन्म दे सकता है। नंबर 4, स्टीफन हॉकिंग ग्रेविटी के एक क्वांटम थ्योरी की स्थापना में इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन जेम्स हार्टले के साथ उन्होंने 1983 में हार्टले हॉकिंग स्टेट मॉडल पब्लिश किया था। ये सिद्धांत कहता है कि समय बिग बैंग से पहले मौजूद नहीं था, और इसलिए ब्रह्मांड की शुरुआत की अवधारणा मीनिंगलेस है। ब्रह्मांड में समय या स्थान में कोई प्रारंभिक सीमा नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं था, यानी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी, तो उस समय टाइम का भी कोई अस्तित्व नहीं था। इसी के चलते आज के समय में ब्रह्मांड में समय का कोई एंड और स्थान भी नहीं है। नंबर 5, इस थ्योरी में स्टीफन हॉकिंग थॉमस हर्टोग के साथ मिलकर उन्होंने 2006 में एक सिद्धांत टॉप डाउन कॉस्मोलॉजी को पब्लिश किया था, जिसमें कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड में एक यूनिक प्रारंभिक अवस्था नहीं थी, लेकिन कई संभावित प्रारंभिक स्थितियों की अति पवित्रता शामिल थी। स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि पूरे ब्रह्मांड में ग्रेविटी जैसी एनर्जी है, इसलिए वह नई रचनाएं कर सकती है। जिसके बाद स्टीफन ने कहा कि उसके लिए ईश्वर जैसी किसी शक्ति की सहायता की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, वे सब अपने आप बन सकते हैं मात्र एक ग्रेविटी के द्वारा। अब हमें स्टीफन हॉकिंग की प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस एंड थ्योरीज के बारे में पता चल चुका है, जिसमें ब्लैक होल और बिग बैंग का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया सबसे बड़ा सिद्धांत है। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे ऐसी ही एक और न्यू वीडियो में।